राम राम। एक चीज हम तुम लोगों से आज बता रहे हैं और ये चीज तुम्हें मरते दम तक काम आएगी कि सच्चाई कभी ना छोड़ना। ये ज्ञान तुमने सबसे सुना होगा, सबने तुम्हें बताया होगा, लेकिन हम तुम्हें प्रैक्टिकल वे में बता रहे हैं कि सच जो अगर हो तुम तो तुम्हें भले किसी चीज़ में अकेले चलना पड़े, कहीं पे भी अकेले लड़ना पड़े, तुम भिड़े रहना, यकीन मानो आखिरी में जीतोगे तुम ही। ये ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट तो हमें भी समझ में आ गया ऊपर वाले का, कि अगर तुम सच्ची हो, मतलब कि तुम्हारे अंदर है ट्रुथ, तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी है, तो यकीन मानो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। आज दिक्कत बस एक आती है कि लोग तुम्हें छोड़ना चालू कर देंगे, लोग तुम्हें पास नहीं आएंगे, या फिर तुमसे कोई बात करना बंद कर देंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें कोई भी तकलीफ आगे चल के अंत में जाके तकलीफ नहीं होगी। अब सच का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, सच होता है खुद से बोलना। सच खुद से कैसे बोलना होता है कि अगर तुम्हें किसी भी जॉब में तुम जा रहे हो तैयारी करने और तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा रत्ती भर मन नहीं है उसकी तैयारी करने का, तुम्हें पता है कि हम जो दूसरी फील्ड हमने चुनी उसमें पैसा भी बहुत है, इज्जत भी है, सब कुछ है, लेकिन इस फील्ड में हमें मजा नहीं आएगा। जब तुम इस तरीके से चीज़ें सोचते हो ना, तो यकीन मानो तुम तब सच बोल रहे होते हो, लेकिन अगर तुम तैयारी में उतर गए तब तुमने अपने साथ ही धोखा कर दिया। ठीक है, दूसरा सच, कुछ रिश्ते ऐसे चल रहे हैं आजकल, रिलेशनशिप कि बस चल ही रहे हैं, वो कब तक चलेंगे कुछ नहीं पता होता है, किसको कब एंडिंग आ जाएगी कुछ नहीं पता है, लेकिन वो चले जा रहे हैं, उनको अभी ख़त्म होना पड़ेगा। अगर कहीं से भी ये चीज़ क्लियर है कि उनका कहीं फ्यूचर नहीं बनता है, वो कुछ भी कर लें फ्यूचर आगे चल के नहीं बनेगा, तो आज अभी जब प्रेजेंट में यहीं से चीज़ें ख़त्म कर दो, क्योंकि हो सकता है आज से तब तक तुम्हें हील होने में थोड़ा टाइम मिल जाए, तो तुम आराम से कोप अप कर जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, एंड टाइम पे जब चीज़ें ख़त्म होती तो आदमी झेल नहीं पाता है वो सदमा। तो ये ट्रू टू योरसेल्फ। दूसरी चीज़ ये है, रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छे से सच बोलना पड़ेगा। आखिरी बात हम यहाँ पे ये करेंगे उनके बारे में जिनको लगता है कि उन्होंने 4 साल तैयारी करी, उनकी नौकरी नहीं लगी, बेरोजगारी आ गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। उन लोगों से भी हमें कहना है कि यार एक बार खुद में सच बोल के देखो कि वाकई में तुमने उस लायक मेहनत करी भी थी, जिस लायक जो बाकी के 1000 बच्चे मेहनत कर रहे हैं जिनकी सीट निकली है उनके बराबर तुमने मेहनत करी थी। कभी भी उनका एक स्ट्रेटजी देखना, उनकी डेली डे टू डे प्लानिंग देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने पानी में हो। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमें सच बोलना पड़ेगा। अब सच किसी दूसरे से नहीं बोलना है, सच खुद से बोलना है, क्योंकि दूसरों से सच सब बोल लेते हैं, खुद से कोई नहीं बोल पा रहा है। कई बार ऐसा होता नहीं है कि तुम लोगों को लगता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं गलत है, हमें पता है लेकिन हम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। तो जब भी तुम सच के साथ खड़े रहोगे तो यकीन मानो लॉन्ग टर्म के जो गोल है तुम्हारे वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म की जो चीज़ें वो तुम्हारी बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, तुम्हें आगे चल के लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम एकदम बिलीव करते हैं कि ऊपर वाले ने जो कॉन्सेप्ट रचाए हैं उसके खिलाफ मत जाओ, कि जो तुम करोगे वहीं तुम्हें वापसी देके तब ऊपर बुलाएंगे। राम राम, जय।